ओके हे गाइस, दिस इज रॉन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो फिर से तुम्हारा भाई आ चुका है एक नया एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ, और अभी टाइम हो चुका है 4:48, और अभी मैं जा रहा हूँ ऐसे हरी भाई के पास जा रहा हूँ, बिकॉज फाइनली आज जा रहे हैं हम छोटी सी राइड के लिए। शॉर्ट राइड होगी बट हाँ भाई, राइड है। और ये वही सीन है जो मैंने आपको जो लास्ट टाइम दिखाया था लास्ट वाले ब्लॉग में, जिसमें मैं चिल्ला चिल्ला के कर रहा था, हाँ वही व्यू मैं आपको दिखाना चाहता था। और ये कुछ रात का नज़ारा है। हरी भाई आ चुके हैं, तो बस यार अब चलते हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, है ना। चलें, चलो चलो चलो। मैं तो भाई हरी भाई के पीछे रहने वाला हूँ, बिकॉज मैं आगे रहूँगा तो पता नहीं मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा। हरी भाई थोड़ा नॉर्मल चलते हैं, ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं चलाते। यार ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है, वाह मज़ा आ रहा भाई। मॉर्निंग राइड का ना मतलब यही तो मज़ा है यार, सुबह सुबह निकल जाओ बस और व्यू को बस इंजॉय करो, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं और बस यार मज़ा आता है बस। अगर आप राइड नहीं करते तो यार कभी करके देखना, ऐसे इतना मज़ा आता है, फिर आपको पता चल जाएगा भाई साहब। वैसे मॉर्निंग हिल ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट ठीक है भाई, जो भी है जैसा भी है मज़ा आने वाला है। डेस्टिनेशन का जितनी मर्जी दूर है, हमने तो बस एंजॉय करने जाना है, एंजॉय करेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, आज तो हरी भाई ने भगा रखी है, हरी भाई ने भी भाई, क्या बात है। एंड यार काफ़ी टाइम बाद यार आज राइड करने को मिल रहा है, काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं आज राइड पे, वो भी शॉर्ट राइड। तो बस यार एक्साइटेड हूँ बस पहुँच के, बस एंजॉय करते हैं, आपको भी कराते हैं। लेन करने का मन तो कर रहा है यार, बट नहीं कर सकता अभी, बिकॉज DSLR वगैरह जो है सब कुछ बैग में है, और अभी मॉर्निंग का टाइम है, कुछ गलत सीन ना हो जाए। तो अच्छा चुपचाप से चलो अपनी मस्ती में, व्यू को इंजॉय करते हुए, रूट को इंजॉय करते हुए, और इस मॉर्निंग को इंजॉय करते हुए। मतलब यार वाइजर बंद करके ना अभी ऐसा लग रहा है मतलब कितना अंधेरा सा हो, और वैसे अगर ना वाइजर ओपन करके देखो ना तो नॉर्मल सा है। ओ भाई साहब, स्प्लेंडर बंद करके आया जा रहा है, पेट्रोल को बचाया जा रहा है। हाँ गाइस, लेट मी नो कि आपको ड्रैग रेस वाली वीडियो देखनी है या फिर नहीं देखनी, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ अभी ड्रैग रेस वाली वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट वीक, प्लानिंग कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। और वो ड्रैग रेस किसके साथ होने वाली है आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ होने वाली है भाई ड्रैग। मैंने यार ये अलग इंटेंट इसलिए सोचा है बिकॉज देखो भाई, तुम्हारे भाई को भी व्यूज की जरूरत है, वो 4 रुपये कम्प्लीट करने हैं, सब्सक्राइबर हो चुके हैं कम्प्लीट। सो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं मॉर्निंग हिल्स में, और अभी हम जा रहे हैं टिक्कर ताल लेक में, तो टिक्कर ताल अभी लेक में जाएंगे अभी थोड़ी देर, बस अभी ज़्यादा दूर तो नहीं है बट ज़्यादा पास भी नहीं है, बस अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया है बिकॉज मेरे को अभी थोड़ा सा बैक पेन होने लग गया था, पता नहीं क्यों, आज सामान ज़्यादा है शायद, तब करके भाई ने भी पता नहीं अभी व्लॉग करना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी यहीं पर व्लॉग कर लेता हूँ। और हमारी बीच जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर हैं, और हरे भाई हमारे इस साइड को हैं। हेलो भाई, तो हरे भाई क्या कहना चाहते हो आप हमारे व्यूवर्स को, कुछ कहिए। पहले तो व्यूअर्स को मैं ये बोलूँगा कि थैंक यू सो मच, आप इतना लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं, एंड और जिसने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाइए सब्सक्राइब करके आइए, एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सजेशन दो एज वेल कि आप लोग क्या चाहते हो हम लोगों से, कैसे व्यू आप लोगों को दिखाएं, कैसी जर्नी चाहिए, राइट। तो फिलहाल तो आज काफ़ी टाइम बाद मतलब कि राइड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा मतलब ज़्यादा बोलने में ना आज कुछ आ नहीं रहा, पता नहीं सोच सोच के बोल रहा हूँ आज। और आज एक चीज और लग रहा है कि जैसा लग रहा है कि एक पिंजरे से एक पंछी को आज़ाद कर देते ना। हाँ वो तो है, वो वाली फीलिंग आ रही है लॉकडाउन के बाद। और पता नहीं अभी ना बारिश से अभी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी से कैमरा पैकअप वगैरह करके अभी निकलना पड़ेगा, तो हाँ यार जल्दी निकलते हैं ना भाई यार। तो चलो भाई अभी हम मिलते हैं आगे जाके, तो देखते हैं बस, तब तक मिलते हैं। मतलब यार यहाँ से व्यू देख रहे हो, मतलब ये कितना क्लियर है यार, मतलब एज यू कैन सी। और टाइम हो चुका है 6:40 हो चुके हैं, और व्यू कुछ ऐसा है, टिक्कर ताल में भी पहुँचने वाले हैं, बस आई थिंक 8 ऐसे कुछ किलोमीटर रह गया है, तो इतने में हम टिक्कर ताल लेक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मैं पहले भी आया था इस जगह पे ऐसे ही व्लॉग करता हुआ, बट उस टाइम पे ये था कि क्लैरिटी और वॉइस जो थी अच्छे से नहीं आ रही थी, और इस बार आया हुआ एक नई क्लैरिटी एंड वॉइस के साथ, क्या बात है। ओके सो गाइस, अभी चलते हैं बस टिक्कर ताल लेक के साइड एंटर करते हैं, और एंट्रेंस यहाँ पे है। और हरे भाई कुछ कहना चाहेंगे तो भाई कहो। मैं ये कहना चाहूँगा कि
अगर वीडियो यहाँ तक देख ली तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल, और मेरा चैनल तो ऑब्वियस है, तो सब्सक्राइब करके जाना भाई। और जाना कहाँ से ये बताओ पहले, मेरे को पता नहीं यहाँ का, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ऐसे भी। हाँ तो बस अभी यहाँ पे वैसे कोई इतनी पब्लिक तो है नहीं, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे को मास्क उतार देना चाहिए, बिकॉज मैंने भी उतार दिया, बिकॉज आप हमारी गंदी सी शक्ल देख पाओ। व्यू कुछ ऐसे से हो रहे हैं यहाँ के। यहाँ पे अभी फोटो शूट भी करेंगे थोड़ा बहुत, फोटोज वगैरह देखने होगी तो क्या करना आपको पता ना, अरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके फोटोज वगैरह देखो, जो देखना चाहते हो आप देखो, फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। और सीन्स कुछ ऐसे हैं यहाँ के, मतलब पैसा वसूल ट्रिप है, पैसा वसूल कहूंगा कि पैसा वसूल ट्रिप है। तो आई थिंक यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी है, बोटिंग के चार्जेस अभी पता नहीं है, वैसे आपको कोई आइडिया है हरे भाई? चार्जेस अभी जो हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो लास्ट टाइम का चार्जेस था आई थिंक 400 में हमें बोट मिली थी। अच्छा अच्छा, बट अब पता नहीं, वो काफी टाइम पहले की थी बोटिंग। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एक चीज़ देख रहा था यहाँ पे कि मतलब यार लोग यहाँ पे आ रखे हैं, मतलब तो डस्टबिन वहाँ पे है एज यू कैन सी, यहाँ पे ये देख सकते हो। तो यहाँ पे ना मतलब यार वेस्ट मटेरियल जैसे प्लास्टिक वगैरह जो है लोगों ने मतलब खा पी के मतलब बाहर ही फेंके हुए हैं यार, इतनी अच्छी जगह का यार थोड़ा मेंटेन, तो मतलब इतना तो आप कर ही सकते हो कि हाँ जो वेस्ट मटेरियल जो है आप डस्टबिन में फेंको। तो यार अगर आप ऐसी जगह पे कहीं जाते हो तो यार थोड़ा इस बात का ध्यान रखना कि उस चीज़ को जो है डस्टबिन में ही फेंकना। वैसे मौसम जो है वैसे मस्त हो रखा है यहाँ पे, मतलब हवा चल रही है काफ़ी, और धूप तो वैसे आज है नहीं तो मौसम ने थोड़ा साथ दिया हमारा। हरे भाई तो आप कुछ कहना चाहते हो तो भाई बोलो आप भी। मतलब मैं दो मिनट के लिए फील कर रहा था यहाँ की हवा, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये नेचर लॉकडाउन में ना रह रहे के घर पे ये नेचर के लिए हम लोग तरस गए थे, और आज पूरा इंजॉय किया है, राइड में इंजॉय किया है, और ये व्यू में इंजॉय कर रहे हैं, और मतलब एक नंबर है। मैं पहले भी आ चुका हूँ, आई थिंक सुरेश भाई पहली बार आ रहे थे। नहीं मैं पहली बार तो नहीं आया, फर्स्ट टाइम तो देखो मेरे साथ क्या था, मैं उस टाइम पे मेरे पे एक्टिवा आती थी तो मैं सिर्फ मॉर्निंग हिल्स तक आया था, फिर सेकंड टाइम मैं आया था बाकी अपने भाइयों के साथ राइड पे आए थे, तो हमें फिर यही मतलब एंट्रेंस पे शूटिंग वगैरह चल रही थी यहाँ पे, तो हम फिर वहीं से वापस चले गए थे। जैसे आप वो एक व्लॉग था तो आपने अगर देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, तो फिर हम यहीं से वापस चल गए थे। अब ये मैं आया शायद थर्ड टाइम आया, तो अगर आप यहाँ पे अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो, और यहाँ पे होटल्स एंड रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल हैं। ओके सो गाइस, मेरे को लग रहा है कि अब हमें अपना व्लॉग जो है एंड करना चाहिए, बिकॉज़ अभी मौसम जो है ख़राब सा हो रहा है, बादल वगैरह आ रहे हैं यहाँ के, मतलब ना मौसम का एक है नहीं, तो कभी बादल आते हैं कभी बारिश है, तो अब मेरे को लग रहा है इस व्लॉग को अब यहीं पर एंड करना चाहिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे को हाँ एक बात बताना, जो मैंने आपसे बोला था राइडिंग के टाइम पे मेरे को ड्रैग रेस वाली वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, वैसे ही मेरा मन कर रहा है कि हाँ मेरे को बनानी चाहिए, बाकी मैं सोच रहा नेक्स्ट वीक तक मैं बनाऊँ, बिकॉज यार मेरे लिए तो कंटेंट है, बनाना ही पड़ेगा। आप सभी तो यार चलो देखोगे ही वो चीज़, बिकॉज आप तो मेरे सपोर्टर्स हो। तो चलो ठीक है गाइज, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, हरे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ तो नहीं कहना चाहते, और ये कि चैनल पे बने रहो, बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग को यू गोना एंजॉय आवर व्लॉग। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सो कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, दिस इज द एल्पी राइडर साइनिंग ऑफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।